बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हाफिज़गढ़ ऑफिशियल में खुश आमदीद व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो दिलो मंतशा। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन करना मत भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं बट एवरी 555 में। अव्वल तो आप बट साहब को देख के पहचान गए होंगे कि मैं किस सेटअप में मौजूद हूँ। माशाल्लाह ये पूरे फैसलाबाद को इकट्ठा करके चल रहे हैं। जैसा कि आपको बहुत धूम है कि फैसलाबाद में इवेंट हो रहे हैं और माशाल्लाह एक साल में ये बहुत ही कामयाब 7 इवेंट करवा चुके हैं और कामयाब इवेंट रहे हैं। तो चले इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बट साहब। वालेकुम सलाम बट साहब, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह जी, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बट साहब, अल्लाह का बहुत ही करम है। सर हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि माशाल्लाह लबड़ के लोगों को भी आप इकट्ठा करके चल तो रहे हैं, तो बट का शौक आपको कैसे हुआ? जी शौक तो बचपन से था, लेकिन प्रोफेशनली जो इसको मैंने ज्वाइन किया 2000 में किया, 2000 में। जबरदस्त, यानी कि तब मैं 1 या 2 साल का हूँ। मोस्टली लोग इतने थे। सही। तो भाई साहब आप ये बताएं कि इस सीजन आप माशाल्लाह अपने एवरी में कितने बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं? जी मैं कमर्शियल को निकाल के लाऊंगा 410 पेयर ब्रीड करवा रहा हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त। और 410 से कमर्शियल छोड़ के वो कौन कौन से बर्ड है? सर जी उसमें सबसे कम जो है स्प्लिट टू स्प्लिट टेल फेलो, वो भी उपलाइन में सारा। जबरदस्त। उसके बाद फिर अपना स्प्लिट टू उपलाइन टेल फेलोज, फिर उसके बाद कुछ डन फेलोज हैं, कुछ फिशरीज डन फेलोज हैं, उसके अंदर ज़्यादा अभी एक्वा अपलाइन आ गए हैं, कुछ 10 पेयर एक्वा अपलाइन पेल फेलो के हैं, और उसके अंदर फिशरीज भी हैं, फिशरी एक्वाज में ब्लैक आइज में फिशरीज हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ म्यूटेशन मिला के अभी रिसेंटली जो मैंने सबसे बड़ी म्यूटेशन ऐड की है वो मैंने येलो फेस किया है, येलो फेस अपलाइन में स्प्लिट पेल फेलो में। माशाल्लाह, यानी कि आपने जो इस सीज़न ब्रीड करवा रहे हैं या ब्रीड करवाना चाह रहे हैं वो ज़्यादातर अपग्रेड म्यूटेशन है? जी तकरीबन अपग्रेड म्यूटेशन ही है। ज़बरदस्त। उसमें एक्वा पेल फेलो तक है? एक्वा पेल फेलो तक है, स्प्लिट डन फेलो तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अब हमारे व्यूवर्स को अपना सेटअप विजिट करवाएं। जी सर रुकूँ सर। बट साहब हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि जब आपने ये शौक शुरू किया था तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? अब तो माशाल्लाह जैसा कि मैंने विजिट किया है अब तो बहुत बड़ी गेम है। शुरू कहाँ से किया था आपने? जी शुरू मैंने तकरीबन 11,000 से किया था, 11,000 से। अब तो मेरा ख्याल है इतने में केज नहीं आ रहा। बट साहब सही बताएं। नहीं बजे 11,000 रुपये जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है, और बस 11,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, 2 साल हमने माल भी नहीं बेचा था, और जब बेचा था पहली दफ़ा बेचा तो हमारा 50 से 60 हज़ार का माल बिका था, तो बस एक हौसला बन गया और पता लग गया यार ये बिकता। फिर तब से 20 साल हो गए, लोग तो कहते लबड़ गया, मैं कहता लबड़ अब तो आया। सही। अब तो लबड़ की बारी आई है। लबड़ की असल में मसला पता है कि हमने अपने आप को अपग्रेड रखना है, ऊपर वाली सीढ़ी पे रहना, नीचे काम होता रहेगा। ऐसा नहीं अगर आप किसी न्यू फैक्ट्री को माल देते हो, उसके साथ काम करते हो, रिलेशन बनाते हो, उसके इतमाद को साथ लेके चलते हो, और उस इतमाद को पूरा रखने के लिए आप हर वो म्यूटेशन रखो जो अपग्रेड है, और जिसको लगवा रहे हो कोशिश करो वो म्यूटेशन जिसको लगवा के दे रहे हो खुद उस म्यूटेशन को से बाहर निकलाओ, ताकि कल को जब फॉर सेल के लिए वो बेचारा बात भी आपसे करे तो कम से कम आप वही माल उठा के अपने शेड पे उसके नाम का और अपने नाम का मिलाप करके सेल कर सको, उसकी भी हेल्प होगी और मार्केट में आपका नाम भी अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और बट साहब ये भी बताएं, जैसा कि आम सोसाइटी में इवेंट होते हैं वो तो पूरे साल में एक कामयाब ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन आपके पीछे क्या सीन है कि माशाल्लाह एक साल में इतने शानदार वो भी 7 इवेंट? जी माशाल्लाह जी, मेरा लबड़ प्रमोशन जो फैसलाबाद लबड़ प्रमोशन मैंने जो अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, मकसद उसका पहले यही था कि अपनी मार्केट की जाए और छोटे फैंसियर को ऊपर लेके आया जाए जो जेन्युइन बायर है जी। फिर जब मैंने इन लोगों से रابطہ करना शुरू किया, छोटे फैंसियर ढूंढने शुरू किए, छोटे फैंसियर के पास गया, तो उस उधर जाके एक बात पता चली, ये तो मेरे कस्टमर ही नहीं है जी, ये अल्बाइनो क्रिमिनो डेकिनो वाले हैं सारे, मेरे तो कस्टमर ही नहीं है। अच्छा फिर मेरे जेहन में एकदम से ख्याल ये आया कि यार मैं क्यों ना इन पर मेहनत करूँ, अगर मैं 2 साल इनमें मेहनत करके इनको कामयाब ब्रीडर बना गया तो 2 साल बाद ये जेन्युइन म्यूटेशन में आएंगे जी। जब म्यूटेशन में आएगा मेरा हिसाब में पहुंच जाएगा, आज की इन्वेस्टमेंट है जो 2 साल बाद मुझे काम आएगी मेरे इंशाल्लाह। तो उस चक्कर में मैंने ना भाईजान मेहनत करना शुरू की, और आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह मेहनत करते, ये 7 इवेंट नहीं है भाईजान जी, इसके पीछे वर्कशॉप्स भी है जी, और इसके पीछे मेरी टीम है जी, और सबसे बड़ी बात जो है ना टीम का एक जेन का होना बहुत जरूरी है। बड़ी बात, बहुत मुश्किल आई, बहुत मामला आए,
लेकिन कहने का मकसद है मैंने अपने माइंड को मजबूत रखा, दिमाग को मजबूत, ट्रोलिंग हुई, मसले मसाइल आए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं अपने फोकस जो है ना मैंने एक जगह पे रखा। माली तौर पे बहुत ज्यादा मुझे इन्वेस्ट भी करना पड़ा सही। और दोस्तों पे इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन इनडायरेक्ट कामयाबी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास और मुझे महसूस हो रही है, कामयाबी मुझे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक मजीद कामयाब करे। आमीन, जज़ाकअल्लाह सर। जी बट साहब, ये नंबर वन पे कौन सी पेयरिंग है? सर जी ये आपको प्लाइन तेल फैलो की है, ठीक है जी। ये माशाल्लाह अभी फिलहाल इम्पोर्ट जो आई है उसके अंदर ये आए हैं और इंशाल्लाह ये जोड़ा क्रॉस हो रहा है और करीब इसकी माशाल्लाह ब्रीड आने वाली है। तो बट्टा इसमें मेल क्या और फीमेल क्या है? सर जी इसके अंदर जो मेल है वो है ब्लू प्लाइन, ठीक है, तेल फैलो जी, और फीमेल जो है इसके अंदर आपको प्लाइन तेल फैलो की। जबरदस्त जी बट्टा, ये गेन कौन सी पेयरिंग है? सर जी ये स्प्लिट डन फैलो की पेयरिंग है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह इसके अंदर बड़ा एक राज छुपा हुआ है, इंशाल्लाह ब्रीड आने के बाद ये शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बेहतरीन हो गया तो। जी बट साहब ये गेन कौन सी पेयरिंग है? जी ये भी स्प्लिट सूट स्प्लिट डन फैलो की पेयरिंग है ऑफलाइन। हाँ जी ऑफलाइन में, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बर्ड है ये माशाल्लाह, और साइज में कलंदर है। तो सर ये आपका ब्रीडर पेयर है या फर्स्ट टाइम ब्रीड होना है? ये मेरे घर के ही हैं। अच्छा ये अपने घर के तैयार किए हैं लेकिन ये फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस देंगे? हाँ जी फर्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह, फर्स्ट क्लास के हैं। जी बट साहब ये गेन कौन सी पेयरिंग है? ये सर जी डन फैलो का, डन फैलो की फीमेल है जी और स्प्लिट डन फैलो का मेल है ये वाइलेट कलर। जबरदस्त सर जी, वो तो डेंट मार रहा है लग रहा है। डेंट नहीं मार रहा सर जी, ये सुल्ताना की बच्ची है, सुल्ताना स्टाइल है इसका, देख दे किस तरह हो गई। जबरदस्त, ये आपका ब्रीडर पेयर है? नहीं ये भी फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, लोकल है सारा। जबरदस्त, ऐसे रिंगने के बैठते हैं जैसे ये आपका विजुअल डन फैलो बैठा है। उधर से आइए रिंगने की शर्ट पे। जी बट साहब ये गेम फ्लाइट में ये कौन सा बढ़ रहा है? सर जी इसके अंदर ग्रे विंग्स है, डन फैलो के स्प्लिट्स हैं, पैलेट्स हैं और जो स्प्लिट टेल फैलो हैं सारे। सही, तो बट साहब इनकी एज क्या है? ये डीएनए के साथ है? ये डीएनए के साथ है सारे माशाल्लाह, एज इनकी प्रॉपर पूरी है, सारा फर्स्ट क्लास का माल है। तो ये बर्ड अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है भैया। जी बट साहब ये गेन कौन सी पेयरिंग है? जी सर ये अपना डिल्यूट्स है, स्प्लिट टेल फैलो है। एक इसके अंदर ऐसा ब्लड है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है, वो इंशाल्लाह इसकी ब्रीड आएगी तो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे और सिर्फ आपको स्पेशली बुला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। डन हो गया जी। जी डॉक्टर साहब ये गेन कौन सी ब्रीड है? ये सर ग्रीन ओपलाइन, यानी कि प्योर ग्रीन है, ग्रीन ओपलाइन और स्प्लिट जो है वो अपना तेल फैला, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट तेल फैलो स्प्लिट डिल्यूट। जी बट साहब ये गेम कौन सा बढ़ रहा है? ये भजन येलो गोल्ड है, येलो फेस उपलाइन स्प्लिट पेल फैलो, ये पाकिस्तान की रेयर तरीन म्यूटेशन है। इस वक्त पाकिस्तान में मैंने नहीं किसी के पास देखे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये पेड़ आ चुका है और माशाल्लाह ये क्रॉस हो रहा है। जबरदस्त, ये डीएनए के साथ प्रॉपर पेड़ है, एक मेल है एक फीमेल है और सब पेड़ फैलो है। जबरदस्त, यानी कि विजुअल पेड़ फैलो है। हाँ जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है सर। जी बट साहब ये गेन कौन सी पेयरिंग है फिर? ये एक्वा ओपलाइन पेड़ फैलो और स्प्लिट पेल फैलो और पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फैलो। जबरदस्त, ये एक्वा B1 है कि B2 है? सर B2 है। जबरदस्त, ये भी सर फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस देगा? जी सर ये फर्स्ट टाइम देगा और ये भी पेयर क्रॉस हो रहा है, इसमें मेल जो है एक्वा का जी और फीमेल जो है ना वो सिंपल पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फैलो की। जी बट सर ये गेन कौन से बर्ड है? ये भी एक्वा लोकल ब्रीड है हमारे घर की जी, एक्वा अपलाइन पेल फैलो और जो है साथ एक्वा का पीस है ब्लैक आइज में, सिंपल एक्वा। सही, सिंपल है ये और ये स्प्लिट पेल फैलो है। जबरदस्त माशाल्लाह, ये डीएनए पीसेस हैं? हाँ जी डीएनए। जबरदस्त जी बट साहब ये गेम कौन से पेयरिंग है भैया? ये वायलेट ओपलाइन डन फैलो और ब्लू ओपलाइन स्प्लिट डन फैलो का मेल, वायलेट ओपलाइन डन फैलो की फीमेल, ये भी माशाल्लाह ऑन ब्रीड है और ये पेयर अगर कोई लेना चाहता तो अवेलेबल भी है। तो सर ये आपके घर का तैयार हुआ है कि नहीं? ये इम्पोर्टेड है लेकिन ये तैयार है इस टाइम।
सही, ये फर्स्ट टाइम करेगा? फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा जी इंशाल्लाह। जी सर, ये गेल कौन से बर्ड है? ये सर सारे स्प्लिट टेल फेलो है जी, और सारे माशाल्लाह फॉर सेल है। सर जी ये ओपलाइन भी है, फिशरी के सारे मिक्स है और सारे के सारे? हाँ सारे, जो फिशरी है वो स्प्लिट ओपलाइन है, स्प्लिट टेल फेलो है, जो ओपलाइन है वो सिर्फ स्प्लिट टेल फेलो। ये डीएनए मेल फीमेल डीएनए पीस हैं सारे, इसमें इकट्ठे मेल फीमेल है या लेटा? ये मेल का? नहीं सर, ये मेल और फीमेल मिक्स ही है। सही, जबरदस्त, ज़्यादा मेल है माशाल्लाह। तो ये पहले क्लच के बर्ड हैं? पहले और दूसरे क्लच के। ठीक हो गया जी। बर्ड साहब ये गेम कौन से बर्ड है? ये सर जी इसमें ब्लू टू है सारी गेम, डेकिनो टू क्रिमिनो के बच्चे हैं सारे। सही, ठीक है, और ब्लू टू है सारे, तकरीबन कन्फर्म ब्लू टू है। चंद एक पीस इसके अंदर है जो पॉसिबल के हैं जी, और माशाल्लाह सारे कलंदर साइज हैं। जबरदस्त, यानी कि पॉसिबल भी है कुछ, कन्फर्म नहीं? कन्फर्म है जी। तो आया मैं कन्फर्म ही है, लेकिन हमने जो जब लिए हैं उन्होंने कहा मेरी तरफ से कन्फर्म है जी। सही, क्योंकि मेरी अपनी आइटम ही है ये जी, तो ये मैंने अपनी ब्रीड के लिए कुछ रोके हैं जी, कुछ मैंने पेरी के बाद जो एक्स्ट्रा होने हैं वो मैं इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। सही, जबरदस्त हो गया। तो ये इसमें मेल फीमेल दोनों ऑप्शन है जी? ज़्यादा मेल है। सही जी। बट साहब ये इतना खूबसूरत पेड़ कौन सा है? ये सर जी ग्रीन यूनिंग प्लाइन डिल्यूट जो है ना, इसकी फीमेल है जी, और जो मेल है हाँ फेलो विजुअल है, और मेल जो है ब्लू अप्लायंस स्प्लिट डिल्यूट स्प्लिट पेल फेलो जो है ना, माशाल्लाह ये ब्रीडर पेयर है और बड़ी अच्छी ब्रीड इसकी आई हुई है। जबरदस्त, यानी कि ये आपका ब्रीडर पेयर है? जी ब्रीडर पेयर है ये। जबरदस्त जी। बट सर ये गेल कौन सा पीस है? ये सर ये अप्लायंस पेल फेलो है, ग्रीन दोनों मेल है, और नीचे जो ब्लू अप्लाइन है वो ब्लू अप्लाइन पेल फेलो वो फीमेल है, और साथ जो ग्रीन अप्लाइन है वो स्प्लिट है। जी बट साहब ये कलोनी किस चीज़ की है? ब्लू ही ब्लू वायलेट किया हुआ है सर जी। ये इंडिगो प्लाइन है, लोग ब्लू प्लाइन कह देते हैं, वायलेट प्लाइन कह देते हैं, लेकिन मेरा ये पसंदीदा कलर है और मैं कभी भी इसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं रहा। सही, लेकिन जो भाई दोस्त अहबाब प्यार मोहब्बत वाले हैं उनको एक एक पेड़ बना के तोहफा देता रहता हूँ, लेकिन जिसके घर में है उसके घर में माशाल्लाह एक नज़ारा है इसका। बिल्कुल ऐसे ही है जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बर्ड है। तो ये सारे डीएनए टेस्टेड हैं जी? इनके डीएनए किए हैं। सही, और ये सारे जो है ना फर्स्ट क्लास के हैं माशाल्लाह। क्वालिटी साइज में 10x10 है माशाल्लाह जी। बट साहब ये वाले कौन से बर्ड है? भैया ये अप्लायंस है, स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डिल्यूट स्प्लिट पेल फेलो है इसके अंदर ज़्यादातर। सही, यानी कि स्प्लिट डिल्यूट स्प्लिट फेलो जो अपग्रेड पेयरिंग है उसके? जी सर इंशाल्लाह, तोहफे हैं सारे। जबरदस्त। और बट सर इसमें मुझे डिल्यूट विजुअल भी एक दो पीस सर, वो भी स्प्लिट पेल फेलो है माशाल्लाह, यानी कि विजुअल डिल्यूट स्प्लिट पेल फेलो। जी सर। तो सर ये डीएनए पीसेस हैं सारे? जी सर डीएनए। इनकी एज कितनी होगी? इनकी एज जो है ना वो 6 महीने से लेके 9-10 महीने तक है। जबरदस्त जी। व्यूअर्स, क्लट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो और बिलाल भाई का सेटअप कैसा लगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन करना मत भूलें, ताकि आप हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। जो बिलाल भाई से रब्ता करना चाहे डिस्क्रिप्शन में इनकी लाइव लोकेशन और इनका नंबर मौजूद है। बाकी भाई स्क्रीन पर भी बोलते हैं, सर अपना नंबर बोल दें जी। मेरा नंबर है 0300-794-5300। जो भाई इनसे रब्ता करना चाहे वो कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी दुआओं से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।